जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का आगमन। जनक का ऋषि विधेय जनक आसन पर स्थित था, तभी उसके पास याज्ञवल्क्य जी आए। उनसे जनक ने कहा, याज्ञवल्क्य जी कैसे आए? पशुओं की इच्छा से अथवा सूक्ष्मांत अर्थात प्रशंसवण करने के लिए? राज, मैं दोनों के लिए आया हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। विदेह देश का राजा जनक आसन पर स्थित था, आसन लगाए हुए था, अर्थात उसने राजा का दर्शन करने की इच्छा वालों के लिए अवसर दे रखा था। तब उस समय अपने योगक्षेम के अथवा राजा की जिज्ञासा देखकर उस पर कृपा करने के लिए वहां याज्ञवल्क्य जी आए। उन याज्ञवल्क्य जी को आए देख उनकी यथावत पूजा कर राजा जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आप किस लिए आए हैं? क्या पुनः पशुओं की इच्छा से ही आए हैं, अथवा मुझसे सूक्ष्मांत सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में समाप्त होने वाले प्रश्न सुनने की इच्छा से? हे सम्राट, पशु और प्रश्न दोनों ही के लिए आया हूँ। सम्राट, यह पद वाजपेयी यज्ञ करने वाले का सूचक है। जो भी अपनी आज्ञा से राज्य पर शासन करता है वह सम्राट होता है। हे सम्राट, यह उसी का संबोधन है, अथवा समस्त भारतवर्ष का राजा सम्राट कहा गया है।